हे गाइस, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बता दिया था कि मैं वापस आ चुका हूँ और इसके बाद आपको कंटिन्यूस वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो ये लीजिए, आ गया है हमारा पहला वीडियो। इस वीडियो में मैंने एडिटिंग, वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव करा है इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है कि आप 24 कैरेट सोने को खा सकते हो? और क्या आपको ये पता है कि कंप्यूटर एरर को बग क्यों कहा जाता है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे चेस्ट पर कोई शैतान आकर बैठ गया है। और ढेर सारे अमेजिंग और फनी ऑसम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है सी हॉर्स में मर्द बच्चों को जन्म देता है? फैक्ट नंबर 24, इस इमेज को देखिए, ये एक रेयर इमेज है जिसमें स्नेल पानी पीता हुआ दिख रहा है, ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 23, एक बार की बात है, एक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए सिगरेट पीना रोक दिया और उस आदमी ने उन सिगरेट के पैसों को जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो उन पैसों से एक कार खरीद सके। वो 6 सालों तक पैसे जमाता रहा, फिर उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए, फिर उसने एक कार खरीदी, मगर बदनसीबी से उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो किस्मत में है वही होगा। फैक्ट नंबर 22, क्या आप जानते हो कंप्यूटर एरर को बग क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसमें एरर एक बग के कंप्यूटर में घुसने के वजह से हुआ था। फैक्ट नंबर 21, साल 2001, इस साल अर्जेंटीना में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 5 लोग प्रेसिडेंट बने थे। फैक्ट नंबर 20, आपने लोगों को सोना पहनते हुए देखा तो होगा ही, पर क्या आप जानते हो आप 24 कैरेट सोने को खा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, इसलिए उससे कुछ नुकसान नहीं होता। फैक्ट नंबर 19, क्या हो अगर इतिहास के लेजेंड्स वापस आ जाए? ऐसा हो रहा है, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट मिलकर उन लोगों का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सालों पहले मर चुके हैं, और ये एक हद तक कामयाब भी हो रहा है। फैक्ट नंबर 18, एक बार की बात है, पीने वाला बार नहीं, वंस अपॉन अ टाइम वाला बार। जब किसी स्कूल ने एक टूर अरेंज किया एक आश्रम में, जहां पर इस लड़की को उसकी दादी मिली। लड़की ने जब उसके माँ बाप से पूछा था कि दादी कहाँ है, तो उसके माँ बाप ने कहा कि दादी किसी से मिलने दूर चली गई है। पर सच्चाई तो ये थी कि उसके माँ बाप ने उसकी दादी को लेके जाकर किसी आश्रम में छोड़ दिया। इससे यार एक बात तो प्रूव होता है, जब किसी की जरूरत खत्म हो जाए ना, तो उसे वो बोझ समझने लगता है और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट के तरफ। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट उनके लिए है जो अपनी लाइफ को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, क्या हम कभी सूरज और चांद को कंपेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि दोनों अपने सही वक्त पर चमकते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या फिर कोई भी आज से बेहतर जिंदगी देख रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। यार अपनी जिंदगी को कभी किसी और से कंपेयर मत करना। इस फैक्ट पर 1 लाख तो बनता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पहाड़ है? अगर हाँ तो आप गलत हो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ मार्स पर पाया जाता है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। फैक्ट नंबर 15, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, उसी तरह इस देश का भी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। उस देश का नाम है फिजी, वहाँ पर और 2 लैंग्वेजेस भी बात की जाती है, इंग्लिश और फिजियन, पर वहाँ की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको लगता है कि एटीएम में एसी हम कस्टमर्स के लिए होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एटीएम में एसी को इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि वो एटीएम मशीन को ठंडा रख सके। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है हर एक सेकंड के अंदर 4,800 स्टार्स का जन्म होता है? मतलब अभी 4,800 स्टार्स का जन्म हुआ, अभी और 4,800 और 4,800, ऐसे ही होता जाता है कंटिन्यूसली। इससे आप आइडिया लगाइए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 12, हर एक चीज का एक स्पेसिफिक वेट होता है, क्या आप जानते हो पृथ्वी में टोटल हवा का वेट कितना है? जवाब है
5500000000000010। फैक्ट नंबर 11, ऊपर जो इमेज है उसमें हर एक डॉट एक स्टार है, वही नीचे के इमेज में हर एक डॉट एक गैलेक्सी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारा यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है। Here comes the final 10 facts. Fact number 10. एक बार की बात है, दुबई के प्रिंस के मर्सिडीज कार पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना दिया। प्रिंस ने गाड़ी को उनके लिए ऐसे ही छोड़ दिया। सोचिए, मर्सिडीज को छोड़ दिया। Fact number 9. पांडवर बत्ती नाम का एक अनोखा पौधा पाया जाता है, जिस पर थोड़ा सी तेल लगाने से उसमें आग लग जाती है। Fact number 8. इस इमेज में जो राइट में है वो इंसान का स्केलेटन है, वही लेफ्ट वाला गोरिल्ला का है। फैक्ट नंबर 7, आपको ये वोडाफोन के एड जरूर याद होंगे, राइट? पर क्या आपको पता है कि ये कोई एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये इंसान है जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। फैक्ट नंबर 6, आपको क्या लगता है स्विमिंग में ज्यादा मेहनत लगती है या बाइक राइडिंग में? आपको बता देता हूँ कि स्विमिंग में बाइक राइडिंग से 40 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। फैक्ट नंबर 5, इस स्नेल को फायर स्नेल कहा जाता है। ये स्नेल बहुत ही ज्यादा रेयर है, फायर स्नेल बहुत कम बचे हैं, वो सिर्फ मलेशिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, रोम में ट्रेवी फाउंटेन नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर टूरिस्ट हर साल करोड़ों रुपए इस फाउंटेन में डाल देते हैं। इन पैसों को गरीबों के मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइस आइडिया, राइट? फैक्ट नंबर 3, हमारा अगला फैक्ट थोड़ा डरावना है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही हम हिल पाते हैं, पर हमें आसपास की सारी आवाज़ें क्लियरली सुनाई देती है। साथ साथ हमें लगता है जैसे कि हमारे छाती पर कोई शैतान आकर बैठ गया है। आपको क्या लगता है, ये सच है या फिर एक झूठ? इंटरनेट पर हजारों लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 2, अर्मेनिया एक देश है जहाँ पर चेस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे हमारे लिए हिंदी मराठी कंपलसरी होता है, उसी तरह वहाँ पर चेस कंपलसरी है। गाइज, इस वीडियो को बनाने में मैंने कंटिन्यू 20-25 घंटों की मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, हमें रोज़ किसी ना किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, कभी मार्केट कभी किधर और, जिसके वजह से हमें रोज़ चलना पड़ता है। पर क्या आपको पता है हम हमारी पूरी लाइफ टाइम में कितना चलते हैं? अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप ज़रूर चौंक जाओगे। हम हमारी पूरी लाइफ टाइम में टोटल इतना चलते हैं जो कि पूरी दुनिया में 5 बार घूमने के बराबर है। सोचिए हम कितने करोड़ों किलोमीटर चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ऑफन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और प्लीज़ गाइस, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो जल्द मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।